ये चीज जो होती है ये हम हमेशा हमारे सबके माइंड में जो देख रहे हैं उनके माइंड में, हमको सबको पता है कि प्लास्टिक इज सच अ बिग डेंजर, इतनी बड़ी बात हो रही है, लेकिन हम लोगों हम अपना काम कर रहे होते हैं, कोई एक एक इनिशिएटिव होना जरूरी होता है कि अपने दिल की बात कहने के लिए। जी. और जब ऐसी कोई चीज होती है, जब आसिफ भामला साहब ने मुझे बुलाया, फोन करके बोला कि आप मुझे करके ये काम करना है, और मुझे पता चला शान कर रहे हैं, तो आपको फिर एक एक अश्योरेंस होता है कि चलो अब आप कुछ, चलो अब आपके दिल की एक बात आपको निकालने के लिए एक एक जगह मिली है जहां से वो सही तरीके से लोगों तक पहुंचेगी। तो दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोज हु हैव ड्रीम्ड ऑफ इट। हमने तो रंग भरे उसमें, हम तो सिर्फ थोड़ी सी कलाकारी यहाँ हमारी। वैसे भी आपका म्यूजिक ऐसा होता है कि आप यहाँ से सुनते हैं और यहाँ पे लगता है। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट नहीं, ये जरूरी होता है कि कोई वो बड़ा ड्रीम बड़ा सपना देखे। तो आई रियली वांट टू थैंक आसिफ भामला साहब, शान साहब, नीरज साहब, क्योंकि आपने इसको ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि ये गाना वहां पहुंचेगा जहां तक इसका पहुंचना चाहिए, वो सबसे जरूरी होता है। वरना वरना तो अच्छी भावना तो सबके दिल में होती है, लेकिन यू नीड टू हैव द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर इट गोज टू पीपल। कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे।